अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, जैसे कि आज इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 18 टेस्टिंग हाइपोथेसिस की आरवीएन करेंगे, ठीक है। टेस्टिंग हाइपोथेसिस होता क्या है और हम ये यूज़ क्यों करते हैं। देखें, सबसे पहले हमने सीखा कि सैंपल होता क्या है। हमने कहा कि पॉपुलेशन का कुछ हिस्सा सैंपल कहलाता है। फिर हमने ये सीखा कि ये जो सैंपल हमने एक्सट्रैक्ट किया, ये कैसे करना है। तो हमने इसके मुख्तलिफ मेथड सीखे टू एक्सट्रैक्ट सैंपल। हमने कहा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग है, सिस्टमेटिक है, क्लस्टर है, कोटा सैम्पलिंग है, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग है। हमने कहा सैम्पलिंग का फ़ायदा क्या होता है। हमने कहा सैम्पलिंग का फ़ायदा ये होता है कि इन्फिनिट पॉपुलेशन हो तो हम इन्फिनिट पॉपुलेशन स्टडी नहीं कर सकते, हम सैम्पल बेस पर स्टडी करते हैं, लेकिन डिसीजन हमेशा हमारा पॉपुलेशन पर होता है। हमारी कॉस्ट सेविंग होती है, हमारा टाइम सेविंग होता है, हम रिलायबल एस्टिमेशन कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि सैंपलिंग कर ली। हमने कहा भाई सैंपलिंग की क्यों। हमने कहा हमने सैंपलिंग इसलिए की ही ताकि पॉपुलेशन के ऊपर डिसीजन कर सकें, यानी कि पॉपुलेशन को एस्टीमेट कर सकें। तो सैंपलिंग के बाद फौरन मैंने आपको एस्टिमेशन सिखाई कि पॉपुलेशन को अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर को एस्टिमेट कैसे करना है। तो चैप्टर 17 में हमने एस्टिमेट भी कर लिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल, हम एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है और हमने एस्टिमेट ये किया कि हमने जो पर्टिकुलर मेडिसिन बनाई है 90% हमारा कॉन्फिडेंस है कि उस पर्टिकुलर मेडिसिन से लोग सेहतयाब हो जाएंगे। ये हमारी एस्टिमेशन है। अब क्या होगा, हम टेस्टिंग हाइपोथेसिस परफॉर्म करेंगे। हम ये चेक करेंगे क्या ये जो मैंने एस्टिमेशन की, क्या ये मेरी सही है या गलत है। अब इसको टेस्ट करने जा रहे हैं कि एस्टिमेशन जो कर लिया है क्या ये सही है या गलत है। तो जो नल हाइपोथेसिस हमें कह देगा, इट्स आवर फाइनल डिसीजन, ये फाइनल डिसीजन हुआ। इसके बाद फॉर एग्जाम्पल हमने एनर्जी सेवर बनाया। हमने कहा जो हमारा एनर्जी सेवर है वो इतने आवर्स चल जाएगा, वो आवर्स जो है तकरीबन 1 ईयर क्रॉस कर जाते हैं। हमने कहा हम 95% कॉन्फिडेंट हैं कि हमारा जो सेवर है वो 1 साल तक जलता रहेगा। तो हम क्या होंगे, ये हमारा एस्टिमेशन है। हम इस एस्टिमेशन को फर्दर फाइनल टेस्ट करेंगे, जिसका नाम टेस्टिंग हाइपोथेसिस है। कि देखें, टेस्टिंग हाइपोथेसिस होता क्या है। इट इज़ नॉर्मली यूज, ये नॉर्मली यूज किया जाता है फॉर पॉसिबल रिजेक्शन ऑफ एच नॉट। एच नॉट को पॉसिबल रिजेक्ट करने के लिए हाइपोथेसिस होता है। यानी कि मैंने क्लेम क्या किया, मैंने ये क्लेम किया कि जो मेरा एनर्जी सेवर है भाई, 1 साल की वारंटी लिख दो इसमें, क्योंकि 1 साल तक मेरा सेवर खराब नहीं होगा। मैंने अब जो टेस्ट परफॉर्म करने वाले होंगे वो मेरे इस एनालिसिस को रिजेक्ट करने की कोशिश करेंगे। उनकी ये कोशिश होगी कि हम वो लोग मेरी बात को रिजेक्ट कर दें। यानी कि मैं क्या कह रहा हूं कि मेरा एनर्जी सेवर 1 साल मोर देन 1 ईयर गुजारेगा, तो कोशिश ये होगी कि मेरे इस दावे को झूठ साबित किया जाए। अगर ये मेरा झूठ दावा जो है झूठा निकल आया, यानी कि मेरा एनर्जी सेवर 1 साल से पहले फ्यूज हो गया, तो मैं 1 साल की वारंटी नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। क्योंकि अगर मैंने 1 साल की वारंटी दे दी और मोस्टली जो सेवर्स हैं वो साल से पहले ख़राब हो गए, तो देखिए मोस्टली सेवर क्लेम में आ जाएंगे, तो बिजनेस को हैवी नुकसान हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो अगर एनर्जी जो है, सेवर जो है 1 साल से ज़्यादा अरसा गुजार गया, इट्स मीन कि जो डिसीजन है, जो टेस्टिंग वाले वो मुझे रिजेक्ट नहीं कर पाए, यानी कि जो मेरा दावा था वो सच निकला। अगर मेरा दावा सच्चा है तो जो टेस्ट करने वाली अथॉरिटीज़ हैं वो रिलैक्स हो जाएंगे, ठीक है भाई, जो इस बंदे ने अपनी बॉक्स में चीज़ लिखी हुई है वाकई इसकी गुड की क्वालिटी भी वही है। समटाइम क्या होता है, हम अपनी चीज़ों को सेल करने के लिए, मार्केट स्ट्रेटजी के लिए क्वालिटी हमारी इतनी अप टू मार्क नहीं होती, लेकिन बॉक्स के ऊपर लिख देते हैं इसके अंदर ये इंग्रेडिएंट है, इसके अंदर ये क्वालिटीज़ है। तो फिर अथॉरिटीज़ जो होती है ना, वो चेक करती हैं कि यार ये जो इतनी कुछ लिख रहा है उसकी प्राइस ये है, क्या इतने इंग्रेडिएंट्स इतनी क्वालिटीज़ की प्रोडक्ट में है या नहीं है। तो वो क्या करते हैं, टेस्ट करती हैं। अगर उनका टेस्ट जो है हमें गलत साबित कर दिया तो हम अपनी पॉलिसी को रिवाइज कर देंगे। अगर उनके टेस्ट ने हमें सच साबित कर दिया तो वो फिर मुतमईन हो जाएंगे, ठीक है भाई, इनकी प्रोडक्ट रिलायबल प्रोडक्ट है, ठीक है। तो अब हमने फाइनल टेस्टिंग प्रोसीजर देखना है कि टेस्टिंग हाइपोथेसिस क्या होता है और इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो टेस्टिंग हाइपोथेसिस में हम सबसे पहले ये देखेंगे टेस्टिंग हाइपोथेसिस है क्या। मेकिंग डिसीजन, हमने डिसीजन लेना है अबाउट एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन
हम एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें ऑफ अ स्टेटमेंट अबाउट पॉपुलेशन पैरामीटर। याद है कि हमने पहले पॉपुलेशन पैरामीटर को एस्टीमेट किया था, हमने कहा था ये वेरियंस डिफरेंस ऑफ पॉपुलेशन मीन डिफरेंस ऑफ पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, हमने क्या किया था इन सब को क्या किया एस्टीमेट किया था। हम देखेंगे एस्टीमेशन के बाद हम एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें पॉपुलेशन पैरामीटर को ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस उस सबूत पर प्रोवाइडेड बाय सैंपल, जो सैंपल ने प्रोवाइड किया कॉल्ड हाइपोथेसिस टेस्टिंग, उसको हाइपोथेसिस टेस्टिंग कहते हैं, विच इज अ मेजर एरिया ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। हमें पता है स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस क्या है, हमें पता है स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस जो है ये हमारे पास एक डिसीजन मेकिंग के तौर पर आ रहा होता है। स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस एक डिसीजन मेकिंग लिए होता है, और ये डिसीजन मेकिंग किसकी होती है आपको पता है, ये पॉपुलेशन की डिसीजन मेकिंग होती है। तो टेस्टिंग हाइपोथेसिस किसका मेजर एरिया है, स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस का। ठीक है, टेस्टिंग हाइपोथेसिस में दो तरह के हाइपोथेसिस हम बनाते हैं, एक को कहते हैं नल हाइपोथेसिस, एक को कहते हैं नल हाइपोथेसिस। ये नल हाइपोथेसिस क्या है, नल हाइपोथेसिस ये है कि नल हाइपोथेसिस को हम एच नॉट से डिनोट करते हैं, इज हाइपोथेसिस डेट इज टू बी टेस्टेड, जिसको हम टेस्ट करते हैं फॉर पॉसिबल रिजेक्शन। नल हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है पॉसिबल रिजेक्शन के लिए, यानी कि नल हाइपोथेसिस जो है वो ये कहता है कि देखें हम 90% कॉन्फिडेंट हैं, तो हमने क्या करना होता है, इसकी कोशिश करनी होती है, इसको रिजेक्ट करने की कोशिश करनी होती है। हम देखें, मैं अगर किसी के ऊपर दावा कर रहा हूं, जाहिर है मैं ये तो दावा नहीं करूंगा ना कि बंदा साचे बोल रहा है, यानी कि अगर मैंने किसी कंपनी के खिलाफ कोई रिपोर्ट लिखनी है, क्या मैं रिपोर्ट में ये लिखूंगा ये कंपनी बहुत अच्छी है, अगर मैंने उसकी अच्छाइयों के बारे में लिखना है तो मुझे रिपोर्ट लिखने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब मैं रिपोर्ट क्यों लिखूंगा, मतलब जितने भी फूड अथॉरिटीज वाले हैं ये मुख्तलिफ रेस्टोरेंट पर मिल्क शॉप पर जो छापे मारते हैं उसके बाद एक रिपोर्ट जारी करते हैं, रिपोर्ट में क्या कहते हैं ये दूध बड़ा अच्छा था, अगर अच्छा था तो उनको जरूरत नहीं थी रिपोर्ट की। जितने भी रिजेक्शन, यानी कि उन्होंने कहा हमारे दूध की क्वालिटी बहुत अच्छी है लेकिन हमने उनको टेस्ट किया तो बिल्कुल क्वालिटी अप टू मार्क नहीं थी, हमने कहा रिजेक्ट कर दो इनके सारे मटेरियल को, इनके सारे इंग्रेडिएंट को, इनके सारे प्रोडक्ट को। इट्स मीन जो नल हाइपोथेसिस है ये हमेशा, ये बात याद रखनी है आपने, स्टार लगा लें, नल हाइपोथेसिस हमेशा पॉसिबल रिजेक्शन के लिए यूज होता है। अंडर द अजम्पशन दैट इज ट्रू इसका मतलब है अजम्पशन ये लिया जाता है कि वो सच है, यानी कि हमने कहा हमारी प्रोडक्ट क्वालिटी वाइज है, हमने कहा हमारी प्रोडक्ट क्वालिटी वाइज है, अब टेस्ट करेंगे, टेस्टिंग अथॉरिटीज ये चाहेगी कि ये क्वालिटी वाइज ना निकले तो ही उनका टेस्ट कामयाब होगा। ठीक है जी, तो ये बात याद रखनी। अच्छा जी, अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या, बाकी ये जो एग्जांपल ये आपको पता ही है, ये आगे मैं इसके ऊपर बात कर लूंगा। अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या, जो नल हाइपोथेसिस का रिवर्स होगा उसको अल्टरनेट हाइपोथेसिस कहते हैं। अल्टरनेट हाइपोथेसिस को एच वन से भी लिखते हैं, एच ए से भी लिखते हैं, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर। अब ये क्या लिखा हुआ है अभी थोड़ी देर बाद समझ लग जाएगा आपको। ठीक है जी, अच्छा जी, स्टेप इन्वॉल्व इन द प्रोसीजर ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग जब परफॉर्म करनी है तो आपने ये कुछ पर्टिकुलर प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। ठीक है, नंबर वन प्रोसीजर क्या, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसीजर ये है, इस पूरे टेस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पहले वाला, आपने नल हाइपोथेसिस बनाना है, अपने नल हाइपोथेसिस बनाना है और साथ में अल्टरनेट हाइपोथेसिस बनाना है, और इन दोनों में से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला है, इन दोनों में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला है वो ये है अल्टरनेट हाइपोथेसिस। ठीक है जी, तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस सबसे इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है, ये इंशाल्लाह सारे प्रोसीजर के बाद बताऊंगा। उसके बाद लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपको पता है रिस्क लेवल है। रिस्क लेवल का मतलब क्या, अगर मैं कह रहा हूं कि मैं 90% कॉन्फिडेंट हूं कि मेरी प्रोडक्ट ठीक है, इट्स मीन 10% मेरा रिस्क लेवल है कि प्रोडक्ट ठीक नहीं है। टेस्टिंग में कौन कौन से हम टेस्ट यूज करेंगे, हम दो तरह के टेस्ट यूज करेंगे, एक को हम जी टेस्ट कहते हैं और एक को हम टी टेस्ट कहते हैं। तो दो तरह के हम टेस्ट यूज करेंगे, एक जी टेस्ट और एक टी टेस्ट। आपको पता है टी टेस्ट कब लगता है, ये आपको पता है, हमने एस्टिमेशन में सीखा, हमने कहा टी टेस्ट तब लगेगा जब स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन हो
और साथ में एन जो हो वो लेस देन 30, अगर ये दोनों कंडीशन पूरी हो रही हैं तो टी टेस्ट लगेगा, अदरवाइज हमेशा जी टेस्ट लगेगा, ठीक है। कंस्ट्रक्ट एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन रीजन, हम एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन रीजन बनाएंगे, एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन रीजन को, ठीक है, हम एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन रीजन बनाएंगे बाय ड्राइंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर बनाकर, यानी कि हम ऐसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर बनाएंगे और फिर देखेंगे इसमें से एक्सेप्टेंस रीजन कौन है, रिजेक्शन रीजन कौन है, इसके ऊपर बात करते हैं अभी। फिर कैलकुलेट करेंगे टेस्ट स्टैटिस्टिक, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स को यूज करने के लिए हम ये दो टेस्ट यूज करेंगे, जी टेस्ट और टी टेस्ट। लास्ट में मेक डिसीजन, हम लास्ट में डिसीजन देंगे, वो डिसीजन क्या होगा, डिसीजन ऑब्वियस बात है हम किसके ऊपर देंगे, एच नॉट के ऊपर देंगे, डिसीजन हमारा एच नॉट के ऊपर होगा। वो क्या होगा कि रिजेक्ट एच नॉट, हम एच नॉट को रिजेक्ट कर देंगे अगर हमारी स्टैटिस्टिक वैल्यू किस में फॉल कर रही है, रिजेक्शन रीजन में, रिजेक्शन रीजन में। और ये जो रिजेक्शन रीजन होगा इसको क्रिटिकल रीजन भी कहते हैं, ये हमारा क्रिटिकल रीजन भी होता है, ठीक है। तो अगर हमारा आंसर क्रिटिकल रीजन में आ गया, रिजेक्शन रीजन में आ गया, तो इट्स मीन हम रिजेक्ट हो गए, हम कौन थे, एच नॉट वाले, तो हम रिजेक्ट हो गए, ठीक है, तो एच नॉट को रिजेक्ट कर देना, अदरवाइज एक्सेप्ट, ठीक है। यानी कि हमने क्लेम किया किसी कंपनी के ऊपर, वो कंपनी थी जो खुद जो कंपनी थी वो एच नॉट थी, हमने कहा फार्मास्यूटिकल कंपनी, तो फार्मास्यूटिकल कंपनी ने क्लेम किया, तो उन्होंने जो क्लेम किया था उनका क्लेम रिजेक्शन रीजन में आ गया, यानी कि वो गलत साबित हो गए, तो हम क्या करेंगे उनके क्लेम को रिजेक्ट कर देंगे, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब बात करते हैं मैंने इसके ऊपर जो जरूरी, जिसके ऊपर मैंने स्टार लगाया, अल्टरनेट हाइपोथेसिस, ठीक है जी, अल्टरनेट हाइपोथेसिस की बात करते हैं और नल हाइपोथेसिस की बात करते हैं, इन दोनों के ऊपर अब थोड़ी सी बात करते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, बस ठीक है, वो ये है, ये बात याद रखिएगा, एच नॉट और यहां पर आएगा एच वन या एच ए बी आता, दोनों यहां पर लिखे जाते हैं, ये बात याद रखना हमेशा, जो इक्वेलिटी आएगी वो हमेशा एच नॉट के साथ आएगी, याद रखना एच नॉट के साथ इक्वेलिटी आएगी, यानी कि अगर ये लफ्ज आपको मिल गए तो इट्स मीन एच नॉट की बात हो रही है, उसने कहा सेम, उसने वर्ड यूज कर लिया इक्वल का, उसने वर्ड यूज कर लिया एटमोस्ट का, वर्ड यूज कर लिया एटलीस्ट का, इन सब के साथ, इन सब के साथ देखिए इक्वल के साइन आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि हमारा पॉपुलेशन मीन है वो 50 है, तो देखें इस केस में क्या आएगा, वो कहेगा एच नॉट मीन इक्वल टू 50, एटमोस्ट के केस में क्या कहेगा, एच नॉट एटमोस्ट का मतलब लेस देन इक्वल, देखें इक्वल का साइन आ गया, और एटलीस्ट के केस में क्या आएगा, क्या कहेगा कि इक्वल एंड ग्रेटर देन 50, ठीक है। तो याद रखिएगा इक्वालिटी का साइन हमेशा, देखें इक्वालिटी का साइन हमेशा एच नॉट के साथ आता है, एच वन के साथ नहीं आता, हमें पता है एच वन जो है एच नॉट का अल्टरनेट है, अगर ये सेम कह रहा है, अगर ये सेम कह रहा है तो एच वन क्या कर रहा होगा, सेम कह रहा है तो एच वन क्या होगा, नॉट सेम, तो नॉट सेम का मतलब क्या होता है, डिफरेंट, तो डिफरेंट केस में एच वन क्या हो गया, कह रहा है मीन इक्वल टू 50 है, ये कह रहा होगा मीन नॉट इक्वल टू 50 है, सही, ये कह रहा है एटमोस्ट, एटमोस्ट का मतलब होता है लेस देन इक्वल, तो ये क्या कहेगा, लेस देन, ये एटमोस्ट कह रहा है लेस देन कहेगा, ठीक है, तो एच नॉट लेस देन के लिए ये देखें लेस देन आ गया, एटलीस्ट कह रहे हैं तो ये क्या कहेगा, मोर देन कहेगा, मोर देन कह सकता है, ग्रेटर देन कह सकता है, इसमें कोई मसला नहीं है, देखें मोर देन 50, देखें मोर देन 50 हमारे पास हो गया, आपने इन बातों का ख्याल रखना, ठीक हो गया। और कौन कौन से वर्ड यूज हो सकते हैं, जैसे कि मैंने सेम का कह दिया, एटमोस्ट का कह दिया, एटलीस्ट का कह दिया, ठीक है, और यहां पर इस तरह के जो वर्ड्स होंगे ये इंडिकेट कर रहे होते हैं कि यहां पर हमारे पास एच वन क्या है और एच नॉट क्या है, ठीक है, तो आपने इसको अच्छे तरीके से ज़रा देख लेना, ठीक हो गया।
फिर एक और बात याद रखनी है आपने जो कि इम्पोर्टेंट है, वो बात ये है, अगर सॉरी H1 है, ये सारे H1 है, अगर H1 जो है ये नॉट इक्वल है, नॉट इक्वल का मतलब है कि आपका जो ग्राफ बनना है वो टू टेल का बनना है। कौन सा बनना है? टू टेल का। और टू टेल का ग्राफ देखिए ये बनाया हुआ है, ये टू टेल का ग्राफ है जिसमें टू टेल है, एक टेल ये और एक टेल ये टू टेल है। और टू टेल में देखें यहाँ पे जो अल्फा आएगा, अल्फा की एक वैल्यू इधर लिखेंगे, अल्फा की एक वैल्यू इधर लिखेंगे, अल्फा की एक वैल्यू इधर लिखेंगे, ठीक है जी। तो यानी कि यहाँ पे अल्फा बाय टू होता है, नॉर्मल अल्फा बाय टू। अल्फा बाय टू का मतलब होता है, इस अल्फा बाय टू का मतलब होता है टू टेल। ये देखें अल्फा बाय टू का मतलब होता है टू टेल, ठीक है। तो अल्फा बाय टू इधर लिखा। अगर हमारा आंसर एच नॉट जो है, एच नॉट जो है वो सेंटर में आ रहा है, इट्स मीन ये एसेप्टम्स रीजन है। और अगर वो इस तरफ आ रहा है एक्सट्रीमली लेफ्ट साइड पर या एक्सट्रीमली राइट साइड पर, तो इट्स मीन ये रिजेक्शन रीजन है। सही हो गया। इसको नेक्स्ट एक और देखते हैं जरा, ठीक है। अगर हमारे पास H1 जो है वो लेस देन या ग्रेटर देन के साथ आए, तो लेस देन या ग्रेटर देन का मतलब है वन टेल, और ये वन टेल का ग्राफ है। अगर वन टेल में अल्फा राइट साइड पर आ रहा है, इट्स मीन अल्फा देखें रिस्क लेवल है ना, अल्फा रिस्क लेवल है। अगर हमारा आंसर रिस्क की एरिया में आ गया, इट्स मीन एच नॉट हमारा रिजेक्ट हो जाएगा अगर इस अल्फा में हमारा आंसर आ गया। ये आंसर किस आंसर की बात कर रहा हूँ? ये जो मैं जिस आंसर की बात कर रहा हूँ वो मेरे पास आंसर जो है वो ये वाला आंसर है, बताता हूँ आपको। जी ये देखें, यहां से जो हम जी कैलकुलेट करेंगे, जी हम कैलकुलेट करेंगे, यानी कि जी इज इक्वल टू जो जी कैलकुलेट करूंगा यहाँ से, ये देखें ये जो मैंने जी टेस्ट लगाया या टी टेस्ट लगाया, इसका जो आंसर आएगा, अगर जी का आंसर इस रीजन में आ गया, क्रिटिकल रीजन में आ गया, तो एच नॉट जो है मेरा वो क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा। और अगर जी का आंसर यहां पर आ गया तो एच नॉट मेरा क्या होगा? एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। अगर मेरे पास मोर देन है तो मोर देन के लिए ये वाला ग्राफ बनेगा, और अगर लेस देन है तो लेस देन के लिए जो क्रिटिकल रीजन बनेगा वो ये बनेगा अल्फा। ये मेरा रिजेक्शन रीजन है, ये मेरा एक्सेप्टेंस रीजन है। आपने इस बात को अच्छे तरीके से देख लेना, ठीक है जी, क्लियर हो गया, ये बात अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। अच्छा एक और बात फाइनल, टू टेल के लिए हमेशा वर्ड यूज होता है अल्फा बाय टू, अल्फा बाय टू, अल्फा बाय टू, अल्फा बाय टू। अल्फा बाय टू का मतलब होता है टू टेल, और यहां पे देखें सिंपल, देखें क्या लिखा हुआ, सिंपल अल्फा लिखा हुआ, सिंपल अल्फा। अल्फा का मतलब होता है वन टेल, तो यहां पे देखें क्या लिखा, अल्फा, अल्फा मीन वन टेल, अल्फा मीन वन टेल, और अल्फा बाय टू मीन टू टेल। ये अल्फा बाय टू टू टेल क्यों होता है? क्योंकि जो रिस्क होता है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, तो टू टेल उसकी बन जाती है, ठीक है जी। तो सबसे पहले हाइपोथेसिस के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इनका पता होना जरूरी है, तो इनको जल्दी से आप रिवाइज कर लें, शाबाश, ठीक है। जल्दी से इसको ओवरव्यू दे दूं कि जब हाइपोथेसिस का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आपने नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को सेलेक्ट करना है। नल हाइपोथेसिस क्या है? जिसके साथ इक्वल का साइन आ रहे होंगे, जिसके साथ इक्वल वाली बात आ रही होगी, जिसके साथ इक्वल वाली बात आ रही होगी वो क्या है? हमारा नल हाइपोथेसिस बनेगा। जिसके साथ इक्वल वाली बात नहीं आ रही होगी, लेस देन, ग्रेटर देन, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल वाली बात, यानी कि डिफरेंट का मतलब होता है के नॉट इक्वल,
ठीक है, और नॉट सेम, जो भी वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। और अगर वो ये कह दे कि जीरो है, मतलब यहां पे देख लें, अगर वो ये कह दे जीरो, जीरो का मतलब तो डिफरेंस नहीं आ रहा, तो जीरो भी जो है, जो जीरो है ये भी हमारी इक्वालिटी की सेंस में जाएगा, जो जीरो है ये भी हमारी इक्वालिटी की सेंस में जाएगा, आपने इस बात को ध्यान में रखना है जरा, ठीक है जी। ये जो जीरो है ये भी इक्वालिटी की सेंस में जाएगा, जीरो का मतलब है कि डिफरेंस नहीं आ रहा, तो डिफरेंस नहीं आ रहा इट्स मीन सेम है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस बना लेना है। आपने जब नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस बना लिए, ठीक है, उसके बाद क्या करना है, बल्कि आपको यहाँ पे प्रोसीजर में बता ही देता हूँ, बल्कि ठीक है आपके लिए थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। जब नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस बना लिए, उसके बाद अब ये देखिएगा कि फौरन से ग्राफ बना लीजिएगा, यानी कि क्रिटिकल रीजन बना लीजिएगा, ताकि आपको ये पता चल जाए कि किस एरिया में हम रिजेक्ट हो रहे हैं और किस एरिया में हम एक्सेप्ट हो रहे हैं, ताकि एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन रीजन मिल जाए। हमने देखा कि हमने देखें, ये देखें, एच नॉट बना लिया, एच वन बना लिया, मान लें कि हमारे पास एच वन नॉट इक्वल आया, अगर एच वन नॉट इक्वल आया तो देखें हमने फौरन से ये टू टेल वाली ग्राफ बना ली, और ये अल्फा क्या होगा, अल्फा बाय टू जो होगा ये हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा, ये हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा। फॉर एग्जाम्पल 95% हो सकता है, 90% हो सकता है, 98% हो सकता है, ठीक है जी, 99% हो सकता है, तो अल्फा हमारे पास आ जाएगा। तो हमने यहां पे अल्फा, यहां पे हमने अल्फा की वैल्यूज लिख लेनी, इधर भी और इधर भी। फिर एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन रीजन के लिए हम जी टेस्ट परफॉर्म करेंगे या टी टेस्ट परफॉर्म करेंगे। जी और टी टेस्ट परफॉर्म करने के बाद जो भी आंसर आएगा हम देखेंगे आंसर एक्सेप्टेंस रीजन में आ रहा है या रिजेक्शन रीजन में आ रहा है, जो आंसर जहां आ रहा होगा उसको वहां लिख लेंगे, ठीक है जी। अच्छा, एक और जो बात मैंने आपको नहीं बताई थी नॉर्मल क्लास में, और अब वो आसानी से देखें, पहले मैं एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन का, एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन का डिसीजन कैसे लिया करता था, ग्राफ बनाकर। अगर मेरा आंसर एच नॉट का एक्सेप्टेंस रीजन में आ रहा है तो मैं कहूँगा एच नॉट एक्सेप्ट है, अगर मेरा एच नॉट रिजेक्शन रीजन में आ रहा है तो मैं ये डिसीजन लिया करता था कि एच नॉट हमारा रिजेक्ट हो रहा है। तो अब मैं सिखाऊंगा कि विदाउट मेकिंग अ ग्राफ हम कैसे डिसीजन लें कि एच नॉट हमारा रिजेक्ट हो एक्सेप्ट हो। तो बस ये बात याद रख लें, और ये वही बात है जो हमने काई स्केयर में सीखी हुई है कि एच नॉट रिजेक्ट होगा, ये बात याद रख लें, एच नॉट इज रिजेक्टेड इज जी कैलकुलेटेड ग्रेटर देन जी टेबल, कि जो जी कैलकुलेट किया है हमने, जो जी कैलकुलेट किया है अगर वो ग्रेटर है जी टेबल की वैल्यू से तो हम क्या करेंगे एच नॉट रिजेक्ट कर लेंगे, बस ये बात याद रख लें, ठीक है। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जरा, और आपको पता है कि हाइपोथेसिस पढ़ा रहा हूं, तो देखें हमारे पास वन टेल भी है टू टेल भी है, तो अब मुझे दो तरह के सिग्निफिकेंस लेवल याद करने पड़ेंगे, टू टेल के लिए भी, और देखें टू टेल को किससे शो किया हुआ है मैंने जी अल्फा बाय टू, और वन टेल को किससे शो किया हुआ है अल्फा से, ये बात याद रखनी। तो 99% सिग्निफिक कॉन्फिडेंस लेवल, तो रिस्क लेवल यानी कि अल्फा कितना 1%, तो 1% के लिए वन टेल कितनी की वैल्यू क्या है 2.33, और ये आपको फाइंड करने आती भी है, ठीक है, इनवर्स ऑफ जी टेबल से ये वैल्यू फाइंड की जा सकती है, मैंने आपको सिखाया भी था। तो ये हमारे पास वन टेल की आगे टू टेल, 98% के लिए टू टेल की वैल्यूज, और ये देख लीजिएगा मैंने लिखाई होगी आपको यहाँ पे कॉपी कर लीजिएगा, और टू टेल के लिए 2.33, 95% के लिए यानी कि 5% रिस्क लेवल, तो वन टेल की वैल्यू ये, टू टेल की वैल्यू ये, 10% रिस्क लेवल हो तो टू टेल के लिए वैल्यू ये, वन टेल की वैल्यू ये। तो होप्स अपनी वैल्यू याद किए होंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है इसका, ठीक है। टेस्टिंग हाइपोथेसिस, सबसे पहले मैं पॉपुलेशन मीन को टेस्ट करूंगा। आपको पता है पॉपुलेशन मीन को टेस्ट करने के लिए हमारे पास तीन तरह की सिचुएशन आ सकती हैं, दो जी टेस्ट के लिए एक टी टेस्ट के लिए। अगर सिग्मा नोन है तो हमने एन को नहीं देखना, चुपचाप जी टेस्ट लगा दो। अगर सिग्मा अननोन है, अब एन को देखकर फैसला करना है, अगर एन ग्रेटर देन 30 हुआ जी टेस्ट, और अगर एन लेस देन 30 हुआ तो टी टेस्ट, ये बात आपको पता ही है। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन। कहता है अ मैन्युफैक्चरर ऑफ डिटर्जेंट, एक मैन्युफैक्चरर डिटर्जेंट का सर्फ बनाता है, क्लेम्स, वो क्लेम करता है दैट द मीन वेट, कहता है जो मैं पैकिंग कर रहा हूं सर्फ की, ठीक है, जो मीन वेट है सर्फ का वो कितना है 3.25 पाउंड, ये मीन वेट यानी कि मीन आ गया,
कहते हैं फिर उसके बाद हमने रैंडम सैंपल लिए उसके, हमने उसके बाद रैंडम सैंपल लिए, हमने 64 रैंडम सैंपल कितना लिया हमने 64, यानी कि ये हमारा n आ गया, n इज इक्वल टू 64 आ गया. रिवील्ड अ सैंपल एवरेज ऑफ, सैंपल एवरेज ऑफ, ये सैंपल एवरेज है. अगर ये सैंपल एवरेज है मेरे पास, ये मेरे पास क्या है सैंपल एवरेज, तो सैंपल एवरेज मीन ये मेरे पास x बार आ गया, वो कितना है 3.28, ये x बार आ गया. स्टैंडर्ड विद अ स्टैंडर्ड डेविएशन, हमने ये कहना है भाई ये स्टैंडर्ड डेविएशन सैंपल का है या ये स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन का है. तो सबसे पहले हमने इस स्टैंडर्ड डेविएशन को देखना है. तो हमने कहा कि देखें फुल स्टॉप के बाद सारी कहानी किसकी चल रही है, आ रैंडम सैंपल, सारी कहानी सैंपल की चल रही है. तो ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये सिग्मा नहीं है, ये तो एस है, ये तो कैपिटल एस है. यानी कि जो मेरे पास यहाँ पे सिचुएशन आई वो ये आई कि सिग्मा मेरे पास अननोन है, सिग्मा मेरे पास अननोन है. अगर सिग्मा मेरे पास अननोन है तो बताएं टेस्ट कौन सा लगेगा, जी टेस्ट लगेगा या टी टेस्ट लगेगा. जी जी बताएं शाबाश, कौन सा टेस्ट में लगेगा. ऑब्वियस बात है अगर मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन है तो टेस्ट का डिसीजन कौन लेगा, तो टेस्ट का डिसीजन लिया जाएगा एन को देखे, सैंपल साइज को देखे. हम ये देखेंगे कि हमारा जो सैंपल साइज है वो क्या है. अगर हमारा सैंपल साइज जो है वो एन से लेस है तो क्या लगेगा, टी टेस्ट. अगर सैंपल साइज 30 से ग्रेटर है तो जी टेस्ट लगेगा. तो देखें एन कितना हमारे पास 64, इट्स मीन एन ग्रेटर देन 30 है, तो चुपचाप जी टेस्ट लगा लो. तो ठीक है जी टेस्ट लगा, मुझे पता चल गया जो मेरा टेस्ट लगना है वो जी टेस्ट लगना है. लेकिन हमने कहा सबसे पहले तो हम सेट करते हैं एच नॉट और उसके बाद हम सेट करेंगे एच वन, क्योंकि सबसे पहले एच वन और एच नॉट ये सेट करना जरूरी है, ये सेट करना जरूरी है. तो पॉपुलेशन मीन कितना है, पॉपुलेशन मीन हमने देखना है कि वो लेस देन है ग्रेटर देन है. तो अब पढ़ते हैं, कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन 0.117 पाउंड है, ठीक है जी हमारे पास. और उसके बाद जो हमारे पास स्टैंड डेविएशन ये है, और उसके बाद जो हमारे पास सिग्निफिकेंस लेवल है और इस लेवल है उसने कहा 1% है. इज देयर एविडेंस दैट एवरेज वेट ऑफ बॉक्सेस, यानी कि ऑल बॉक्सेस इज डिफरेंट, उसने कहा एवरेज वेट डिफरेंट है. डिफरेंट कौन होता है, एच वन, सेम होता तो एच नॉट की इन्फॉर्मेशन होती. उसने कहा एवरेज डिफरेंट है, एवरेज क्या डिफरेंट है, यानी कि एच वन क्या मीन डिफरेंट, ये देखें डिफरेंट का मतलब होता है ये नॉट इक्वल, मीन नॉट इक्वल टू पॉपुलेशन मीन कितना 3.25, तो 3.25 यहां पर आगे देखें ये डिफरेंट हो गया. अगर ये डिफरेंट है तो बताएं एच वन क्या होगा, उसने कहा मीन इक्वल टू 3.25 होगा. ठीक है, तो फौरन से जैसे मैंने एच वन बनाया तो एच वन को बनाते साथ ही मैंने क्रिटिकल रीजन भी साथ बना देना. नॉट इक्वल ने कहा टू टेल, तो देखें ये वन टेल आ गई, ये पता हमें पता अल्फा बाय टू का, और ये भी वन टेल अल्फा बाय टू. ठीक है जी, उसके बाद मुझे ये पता है कि ये मेरे पास रिजेक्शन रीजन है, अल्फा से लेफ्ट और राइट मुझे पता रिजेक्शन रीजन है, ये मेरा रिजेक्शन रीजन हो गया और ये भी मेरा रिजेक्शन रीजन हो गया. ठीक है, और ये जो इंटरनल एरिया है ये मेरा एक्सेप्टेंस रीजन हो गया. अगर एच नॉट यहां पर आ गया, अगर एच नॉट यहां आ गया रिजेक्ट, एच नॉट लेफ्ट पर आ गया तो भी रिजेक्ट, अगर एच नॉट मेरा सेंटर में आया तो मैं एक्सेप्ट कर दूंगा. तो मैंने कहा ये अल्फा बाय टू की वैल्यूज क्या है, आपको पता है 1% रिस्क लेवल है, 1% जी टेस्ट लगना है. जी इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर अंडर रूट एन, ये जी का फॉर्मूला लगना है. तो जी देखें टू टेल के लिए 1% वैल्यूज क्या आती है, तो देखें जी का फॉर्मूला ये लगना है एक्स बार, ये यहाँ एक्स नहीं एक्स बार है, ये एक्स बार है, ये एक्स बार है, एक्स बार माइनस म्यू सिग्मा अंडर रूट एन, और 1% के लिए वैल्यू देखें क्या है, ये 1% और टू टेल
ये 2.58, एक माइनस में एक प्लस में, तो 2.58 यहां पर वैल्यूज आ गई मेरे पास, माइनस 2.58 और ये प्लस 2.58, ये अल्फा आ गई। अब देखना है जी की वैल्यू क्या आती है, तो जी की वैल्यू ये आ गई मेरे पास, व्हाट इज एक्स बार, 3.238 माइनस मीन कितना है 3.25, स्टैंड डेविएशन 0.117, इन कितना मेरे पास N64। तो यहां से देखें जी की वैल्यू क्या आती है, शाबाश आप भी देखें, मैं भी कैलकुलेट करता हूं, आंसर आ गया माइनस, आंसर आ गया माइनस 0.82, ये आंसर आ गया माइनस 0.82। ठीक है, तो अब देखिए माइनस 0.82 कहाँ आ रहा है, तो माइनस 0.82 आपको पता है देखें कहाँ आ रहा है, यहां पर आ रहा है माइनस 0.82। देखें एक्सेप्टेंस रीजन में आ रहा है, तो हम कहेंगे वी एक्सेप्ट एच नॉट, अगर वो एक्सेप्ट एट नॉट तो इसका मतलब क्या, रिजेक्ट एच वन। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट का आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर, तो इस तरह से आप सिंपली हाइपोथेसिस में जी टेस्ट अप्लाई करके आंसर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, तो इसका हमने एक और भी तरीका सीखा था कि अगर हम देखें, अभी तो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया ग्राफ के थ्रू, ये देखें मैंने ग्राफ बनाया और इस ग्राफ में देखें कि एच नॉट एक्सेप्ट हो रहा है और साइडों पे रिजेक्ट हो रहा है, तो इसका हमने एक शॉर्टकट भी सीखा था, हमने कहा वो शॉर्टकट क्या था, हमने कहा एच नॉट रिजेक्ट होगा अगर जी कैलकुलेटेड ग्रेटर आ जाए जी टेबल से। तो देखें जी टेबल की वैल्यू क्या थी, 2.58 आई थी, आई ऐसी है 2.58 आई थी, और जो हमने जी कैलकुलेट किया वो माइनस की, वो क्या वैल्यू है, माइनस माइनस आई 0.082। तो क्या माइनस 0.82 ग्रेटर होता है 2.58 से, बिल्कुल नहीं, ये तो लेस होता है, अगर लेस होता है तो एच नॉट रिजेक्ट नहीं होगा, एच नॉट क्या होगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। तो देखें इस तरह पता चल गया शॉर्टकट से, यानी कि वो हमारा रूल क्या था, हमने कहा रूल ये था कि अगर एच नॉट जो है, अगर जी कैलकुलेटेड ग्रेटर आता जी टेबल से तो होता क्या, एच नॉट को हम क्या करते, रिजेक्ट करते। तो जी कैलकुलेटेड क्या है, माइनस जीरो पॉइंट एटी टू। जी टेबल से क्या आया था, अच्छा माइनस के साइन को इग्नोर करना, माइनस से डायरेक्शन शो कर रहा होता है कि माइनस 2.8 लेफ्ट तरफ आ रहा है वो राइट, आपने माइनस को इग्नोर करना, आपने वैल्यूज देखने की आ रही 2.58, तो देखना 2.58, तो देखें ये तो ग्रेटर नहीं तो लेस है, अगर लेस है तो देखें एच नॉट क्या होगा, एक्सेप्ट होगा, तो देखें हमने भी एच नॉट एक्सेप्ट किया हुआ, तो फाइनल आंसर क्या, हम कहेंगे जी क्या है माइनस 0.82 और हमने एक्सेप्ट कर दिया। तो इस तरह से सिंपल से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसको। नेक्स्ट देखें, सपोज दैट वेरियंस ऑफ आईक्यू ऑफ हाई स्कूल स्टूडेंट इन अ सर्टेन सिटी इज, वेरियंस दे दिया उसने, suppose that variance of IQ of high school student in a certain city is, ये variance दे दिया यानी कि sigma square। तो देखें इस statement में कहीं नहीं उसने बताया, कहीं नहीं बताया कि sample या population है, अगर वो sample का word use नहीं कर रहा तो it's mean ये population है, यानी कि population standard deviation यहाँ पे given है, sigma 225 variance 225 है, तो sigma क्या होगा 225 का square root, तो sigma क्या आ गया यहां से आराम से आप ले सकते हैं 225, तो सिग्मा आ गया 15, तो स्टैंडर्ड डेविएशन देखें गिवन है, तो मुझे पता चल गया जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन होया मैंने फौरन से जी टेस्ट लिख लिया, तो मुझे पता चल गया कि जी टेस्ट लगना है, तो मैंने पहले ही जी टेस्ट लगा लिया। फिर मुझे एच नॉट और एच वन देखना है, एच नॉट की भी टेंशन ना लें क्योंकि क्रिटिकल रीजन एच वन से बनता है, आप सिर्फ एच वन को ढूंढें, तो एच वन आपको हमेशा आखिरी लाइन पर मिला करेगा या शुरू वाली लाइन पर या आखिरी लाइन पर, नॉर्मली आखिरी लाइन पर मिलता है,
कहता है शुड वी कंक्लूड दैट आईक्यू ऑफ हाई स्कूल स्टूडेंट इज हायर, कहता आईक्यू हायर देन 100 है, हायर देन, तो हायर देन का मतलब यही होगा ना, एच वन मीन हायर देन 100, अगर ये हायर है तो एच नॉट क्या होगा, मीन लेस देन इक्वल टू 100, तो इक्वल आ रहा है। अब ये देखें लेस देन है, अगर ये लेस देन है तो जाहिर है इसका जब मैं फोरन से क्रिटिकल रीजन बनाऊंगा तो आपको पता लेस के लिए क्रिटिकल रीजन ये बनता है, क्योंकि लेस है वन टेल बना और वन टेल के लिए अल्फा होता है, और इस मीन ये मेरा रिजेक्शन रीजन है, ये मेरा एक्सेप्टेंस रीजन है। अगर एच नॉट यहां पर आ गया रिजेक्ट होगा, अगर एच नॉट यहां पर आ गया एक्सेप्ट हो जाएगा। तो अल्फा कितना है, अल्फा कितना है वन टेल के लिए, जबकि रिस्क लेवल कितना है 5%, तो 5% वन टेल वैल्यूज की आती है, 5% वन टेल, ये 5% है ये वन टेल तो आती है। अगर लेस होगा तो -1.645, प्लस होगा तो 1.645, तो क्योंकि ये माइनस में है तो अल्फा आ गया -1.645। अब मुझे सिंपल जी देखना, जी क्या रहा, व्हाट इज मीन ऑफ एक्स, स्मॉल सैंपल मीन, अ रैंडम सैंपल ऑफ 36 एंड 36 आ गया, ठीक है। शुड वी कंक्लूड दैट स्टूडेंट आर हायर देन 100, तो स्टूडेंट हायर देन 100 होंगे, जबकि मीन हमारे पास 106 है, तो मीन 106 आ गया सैंपल मीन। पॉपुलेशन मीन कितना है, पॉपुलेशन मीन 100 है, ये देखिए 100 है पॉपुलेशन मीन, तो पॉपुलेशन मीन 100 आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन देखिए 15 है, 15, एन कितना है 36, तो एन आ गया 36, तो शाबाश, बताएं आंसर क्या आता है, आप भी सॉल्व करें मैं भी सॉल्व करूंगा, तो 106 माइनस 100 15 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 36, आंसर आ गया 2.4, आंसर आ गया 2.4। तो देखिए 2.4 कहाँ आ रहा है, 2.4 कहाँ आ रहा है, ठीक है। तो एक्स बार हमारा ये था 106, तो आंसर आ गया हमारा 2.4। तो देखें 2.4 कहाँ आ रहा है, तो 2.4 हमारा किधर गया, यहां पर आ रहा 2.4, और रूल क्या था कि z कैलकुलेटेड ग्रेटर है z टेबल से, तो h नॉट हम रिजेक्ट करते हैं। z कैलकुलेटेड कितना आया 2.4, ठीक है जी, और z टेबल से वैल्यूज क्या आई हमारे पास 1.645, तो हमें क्या करना है, इसको रिजेक्ट करना है, ये तो रिजेक्ट हो रहा है, तो एच नॉट रिजेक्टेड हो रहा है, ठीक है, तो एच नॉट हमारा रिजेक्ट हो रहा है। जरा इसको कैलकुलेशन करें जरा दोबारा, 106 है और 100 है, आंसर तो प्लस में आना चाहिए, ठीक है जी, ठीक है, ओके ओके ठीक है। ये देखिएगा जरा, ये जो लिखा है ना मोर देन हायर है ना, तो यहां से मिस्टेक हुई है, हायर के लिए आपको पता है कि टेल भी हायर बनती है, वो हमने लोअर बना दी, जरा वही मैंने कहा ये आंसर ऐसे कैसे हो सकता है, ठीक है, तो हायर के लिए टेल भी हायर बनती है, तो अब टेल हम हायर बनाते हैं जरा, ठीक है, तो हायर टेल मेरे पास बनेगी, ये देखें हायर है तो हायर के लिए यहां पर हायर बनेगी, ठीक है, तो अल्फा तो 1.645, तो ये मेरे पास बनेगा मेरा रिजेक्शन रीजन, ये मेरे पास बनेगा एक्सेप्टेंस रीजन, ठीक है। तो हमारा आंसर 2.4 है, तो 2.4 देखें कहां आ रहा है, ऑब्वियस बात है 2.4 है वो 1.645 पर आएगा जाकर, 1.645 पर आएगा, तो 1.645 के बाद आएगा 2.4, तो इट्स मीन हमारा एच नॉट जो आ रहा है वो रिजेक्शन रीजन में आ रहा है, और देखें ये फॉर्मूला भी कह रहा है कि एच नॉट ने रिजेक्ट होना है, तो एच नॉट इज रिजेक्टेड कितने से,
वो जी कहां से सिलेक्ट हैं? तो हमने कहा जी 2.4 हो तो एच नॉट रिजेक्ट होगा। अगर एच नॉट रिजेक्ट हो गया, अगर एच नॉट रिजेक्ट हो गया तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? देखें, उन्होंने क्लेम क्या किया था कि जो आई क्यू है, या तो वो बच्चों का आई क्यू 100 के इक्वल है या लेस है। तो हमने कहा भाई तुम्हारा तो दावा गलत हो गया, आई क्यू तो 100 से ग्रेटर है। तो हमने लिखा आई क्यू ऑफ ऑल स्टूडेंट इज ग्रेटर देन 100। तो इस तरह सिंपली आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सम टाइम जैसे कि अभी हमसे हो गया कि मैंने यहाँ पे लेस देन बना लिया था, हालांकि हायर पर बनाना चाहिए था, नहीं पता चला। तो देखें ये वाला फॉर्मूला आपको सेव कर लेगा, ये वाला तरीका आपको सेव कर लेगा। इसमें आपको लेस और मोर देगा, सम टाइम क्वेश्चन करते करते नहीं ख्याल रहता बंदे को कि लेस देन मोर देन बनाना है। तो देखें मुझे फौरन क्लिक हो गया, मैंने कहा यार ये एच नॉट तो रिजेक्ट हो रहा है, हमारा सेंटेंस में क्यों आ रहा? तो मैंने थोड़ा सा वो फर्दर देखा तो हमने कहा ओहो क्वेश्चन तो हायर था, हमने टेल तो लोअर पे बना ली। बस इस चीज को आप देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अ रैंडम सैंपल ऑफ 10, यानी कि एन जो है वो हमारे पास 10 का आ गया, एन हमारे पास 10 का आ गया, ठीक है जी। चलिए अ रैंडम सैंपल ऑफ 10, तो एन हमारे पास 10 का आ गया। फ्रॉम अ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में से ये जो 10 का सैंपल है, इस 10 का मीन क्या है? उसने कहा 20, ये एक्स बार आ गया। सम ऑफ स्केयर ऑफ डेविएशन, ये सम ऑफ स्केयर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन 144 है, ये इस मीन, ये स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए मुझे कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहा है। तो इस मीन स्टैंडर्ड डेविएशन सैंपल की गिवन है, यानी कि सिग्मा अननोन हुआ, एन देखा लेस देन 30 है, तो मैंने कहा सिग्मा भी अननोन, एन भी लेस देन 30 है, तो मैंने कहा टी टेस्ट लगना है। तो मैंने फौरन से टी टेस्ट लगा लिया। तो टी टेस्ट एक्स बार इज इक्वल टू मीन स्मॉल एस ओवर अंडर रूट एन। अब ये जो स्मॉल एस होता है ना, इसकी कहानी सुन लीजिएगा। स्मॉल एस इक्वल होता है समीशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्केयर ओवर एन माइनस वन के। आपको पता है ये जो है ये अनबायस्ड होता है, जबकि चैप्टर 2 वाला, चैप्टर 12 वाला स्टैंडर्ड डेविएशन बायस्ड होता है। तो ये देखें समीशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्केयर को कहते हैं सम ऑफ स्केयर ऑफ डेविएशन। तो ये सम ऑफ स्केयर ऑफ डेविएशन एक्चुअली ये गिवन है 144 एक्सएल में, ये है समीशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्केयर। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 144, एन कितना है 10, तो 10 माइनस 1 किया यहां पर 9 आ गया। तो 144 डिवाइड बाय 9 किया और स्केयर रूट लिया, तो मेरे पास सारा आंसर क्या आ गया 4। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ गया मेरे पास 4, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है स्टैंडर्ड डेविएशन तो मेरे पास आ गया 4 डिवाइड बाय अंडर रूट 9। व्हाट इज सैंपल मीन, सैंपल मीन 20 है। व्हाट इज पॉपुलेशन मीन, पॉपुलेशन मीन उसने बताया हुआ है 19.5, बड़ी सी बात उसने गिवन कर दिया 19.5, तो यहां पर आ गया 19.5। अब मुझे बनाना है कि उसने क्या H1 जो है ये हमारे पास ग्रेटर देन 19.5 है। तो हमने कहा अब छोड़ो क्या डायग्राम बनानी, हमारे पास एक फॉर्मूला गिवन है। वो फॉर्मूला क्या है? हमने कहा अगर Z कैलकुलेटेड ग्रेटर आ जाए Z टेबल से, तो हमने कहा हम एच नॉट को रिजेक्ट कर देंगे, अदरवाइज एक्सेप्ट कर देंगे। हमने कहा आप कोई ग्राफ ग्रुप नहीं बनाना। तो अब जी कैलकुलेटेड नहीं है, माजरत, टी कैलकुलेटेड आ गया और टी टेबल आ गया, क्योंकि टी टेस्ट चल रहा है ना हमारे पास। तो टी कैलकुलेटेड देखे क्या आंसर आया, टी कैलकुलेटेड का 19.5 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 9। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 4, 20 माइनस 19.5, एस हमारे पास आ गया 4 डिवाइडेड बाय सैंपल कितना, सॉरी सैंपल 10 है हमारे पास, सॉरी ये 10 है, सैंपल 10 का हमारे पास डिवाइडेड बाय अंडर रूट 10। तो आंसर आ गया हमारे पास 0.395, ये हमारे पास टी आ गई, यानी कि टी कैलकुलेटेड, टी कैलकुलेटेड क्या है हमारे पास 0.395।
अब मुझे ये देखना है कि टी टेबल से जब मैं टी टेबल यूज करूंगा तो टी टेबल यूज करने के बाद हमने देखना है कि हमारा आंसर क्या आएगा। तो उसके लिए ऑब्वियस बात है आपको टी टेबल की तरफ मूव करना पड़ेगा। तो टी टेबल की तरफ मूव कैसे करेंगे वो देखते हैं जरा। तो टी टेबल मुझे ओपन करना पड़ेगा, तो टी टेबल ओपन करते हैं जरा। ठीक है जी, टी टेबल ओपन करते हैं। चलें, ये हमारे पास टेबल्स आ गए, टी टेबल नॉर्मल ये टी टेबल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आ गया। ठीक है नहीं, तो हमारे पास था हमारे पास ये। ठीक है, अच्छा जी, टी टेबल से हमने वैल्यूज देखनी है। तो सबसे पहले हमने देखना है कि टी टेबल के लिए हमने ये देखना है कि ग्रेटर एलएक्स है, तो हमने देखना है कि टी अल्फा बाय टू है टी अल्फा है। तो देखें ग्रेटर है, ग्रेटर के लिए टी अल्फा होगा, तो टी अल्फा सिग्निफिकेंस लेवल क्या है 0.05। तो 0.05 को n कितना है 10-1, यानी कि 0.05 को हमने 9 में देखना है। तो 0.059, लेकिन अल्फा मीन सिंगल टेल, अल्फा मीन वन टेल, यानी कि वन टेल में हमने 0.05 को 9 में देखना है। ये देखिए ये वन टेल है, ये वन टेल है मेरे पास। ठीक है, ये वन टेल है, तो जब वन टेल है तो इसको हमने देखना है 0.05, ये 0.05 है और 9, तो वैल्यूज क्या आई 1.8331। तो वैल्यू क्या आई 1.8331। अब देखें क्या ये वाली जो वैल्यू है 0.3 ग्रेटर है 1.3 से? नहीं, अगर ये ग्रेटर नहीं है तो बताएं एच नॉट एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा? हम कहेंगे एच नॉट जो होगा वो हमारा एक्सेप्ट होगा। तो ये देखें एच नॉट हमारा एक्सेप्ट हो गया, तो ग्राफ बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, लेकिन आप कहते नहीं सर जरा ग्राफ से भी समझा दें, तो जरा ग्राफ से भी समझा देते हैं। तो ग्राफ से देखिए क्या होगा, ग्रेटर देन है ना, तो ग्रेटर देन यहां पर आएगा, आपको पता है अल्फा कितना है जो निकाला फाइंड किया था, यह 1.8331। तो ये रिजेक्शन रीजन है, ये हमारा एक्सेप्टेंस रीजन है। तो हमारा आंसर क्या है 0.3, तो 0.395 देखें एक्सेप्टेंस रीजन है, हमने कहा हमारा एच नॉट एक्सेप्ट हो गया। तो सिंपल इस तरह से अपने कैलकुलेशन कर ली। अब हमारे पास आ गया टेस्टिंग द हाइपोथेसिस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन। अगर टू पॉपुलेशन मीन के दरमियान डिफरेंस आ रहा है उसको हम किस तरह से देखेंगे? ठीक है, तो अच्छा ये दोनों फॉर्मूला सेम है, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं, बस एक क्वेश्चन है। अगर सिग्मा गिवन होगा तो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएंगे, अगर पॉपुलेशन अननोन होगा तो सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएंगे, फॉर्मूला एक ही है। क्वेश्चन देखते हैं, उसने कहा अ रैंडम सैंपल ऑफ 100 वर्कर, हमने कहा N1 आ गया, एवरेज 14 मिनट, एवरेज 14 मिनट, एवरेज मीन हमारे पास ये आ गया मीन वन। कहता है कि हमने 100 वर्कर का एक सैंपल लिया और उनको 14 मिनट दिए कंप्लीट टास्क करने के लिए, अपना टास्क कंप्लीट कर लो।
ठीक। फिर हमने क्या किया, नेक्स्ट हमने ये देखा कि 150 वर्कर लिया, हमने एक और सैंपल लिया 150 वर्कर का, N2 कह दिया, और उनको जो एवरेज टाइम दिया यानी कि मीन टू दिया 11 मिनट दिया एक टास्क कंप्लीट करने के लिए। कैन इट बी अज्यूम 5% सिग्निफिकेंस लेवल आ गया, दैट एवरेज टाइम टेकन बाय द वर्कर इन टू फॉर्म इज सेम। कहता है जो एवरेज वर्कर एवरेज टाइम है वो क्या है, सेम है। तो सेम कौन होता है आपको पता है, आपको पता है सेम कौन होता है, सेम हमेशा एच नॉट होता है। तो एच नॉट ने कहा कि मीन वन इक्वल है मीन टू के, यानी कि दोनों का एवरेज टाइम सेम है। तो अगर मैं इनका डिफरेंस लूं जरा तो कह सकता हूं मीन वन ये प्लस इधर के माइनस हो गया, मीन टू इज इक्वल टू जीरो। तो अगर ये इक्वल टू जीरो है तो एच वन क्या होगा, म्यू वन माइनस म्यू टू नॉट इक्वल टू जीरो, ये नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अब से जब ये नॉट इक्वल टू जीरो हुआ तो यहां से हमने कहा ये तो टू टेल आ गया, तो हमने जल्दी से यहां से क्रिटिकल रीजन बना लिया। तो हमने क्रिटिकल रीजन के लिए हमने कहा एक वैल्यू ये आ गई, एक वैल्यू ये आ गई, हमें पता टू टेल है तो ये अल्फा बाय टू है माइनस वाला, ये प्लस वाला अल्फा बाय टू है। 5% है, 5%। अब ये देखना है जी, एन देखें 100 है और एक 150 है, एन लार्ज है 30 से, तो जी टेस्ट लगना है। तो जी 5% के लिए क्या होता है, 1.96, और यहां पर आ जाएगा प्लस 1.96। ये बेशक डी जी टेबल से आप देख लीजिएगा, ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है, जी टेबल से। अच्छा जी, फिर हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है। तो कैलकुलेशन के लिए क्या करेंगे, उसने कहा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑल वर्कर मीन्स ये पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है, सिग्मा 1 2 आ गया जबकि सिग्मा 2 3 आ गया। तो सारी की सारी कैलकुलेशन को यहाँ पे आप पुट कर लें, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था जी का, मीन 1 माइनस मीन 2 माइनस म्यू 1 माइनस म्यू 2 और सिग्मा 1 का स्क्वायर ओवर एन 1 प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर ओवर एन 2, ये हमारा फॉर्मूला था, ठीक है। तो सारी वैल्यूज को पुट कर लें, मीन 1 कितना है हमारे पास, 14 है हमारे पास, तो 14 और 11, तो 14 माइनस 11 आ गया, मीन 1 माइनस मीन 2 0 है, ये देखें ये 0 है हमारे पास, तो यहाँ पर आ जाएगा 0, ठीक है जी। वेरियंस 1 कितना है, 2 का स्क्वायर, एन 1 कितना है 100। वेरियंस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन का वेरियंस 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 150। तो देखें शाबाश कैलकुलेट करें, देखें वैल्यूज क्या आती है, 14 माइनस 11 स्क्वायर रूट ऑफ 4 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 150, तो आंसर आ गया 9.49, आंसर आ गया 9.49, ठीक है। तो देखें 9.49 कहाँ आ रहा है, देखें 1.96 इधर आ रहा है, यहां पर आ रहा है 9.49, तो ये कौन सा रीजन होता है, ये तो रिजेक्शन रीजन होता है, तो इट्स मीन एच नॉट इज रिजेक्टेड, कितनी वैल्यू से, 9.49 से, ठीक है। और अगर आप इसको उस फॉर्मूले से करना चाहो जिस तरह हमने किया जी कैलकुलेटेड, हमने कहा अगर जी कैलकुलेटेड ग्रेटर आ जाए जी टेबल से तो एच नॉट रिजेक्ट हो जाता है। तो जी कैलकुलेटेड कितना है, 9.49, जी टेबल कितना है, माइनस प्लस को इग्नोर करना, सिंपल लिखना 1.96, आपको पता है ग्रेटर है तो आपने कह दिया एच नॉट इज रिजेक्टेड, तो आपने कहा कि एच नॉट हमारा रिजेक्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप टू पॉपुलेशन का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें कि टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन का डिफरेंस है या ऑब्जर्व्ड पेयर है। ऑब्जर्व्ड पेयर का मतलब है कि पेयरिंग आ गई हमारे पास, ये देखें पेयरिंग कैसे, हमारे पास एक सिंगल इंफॉर्मेशन है उसके पेयर आ गया, यानी कि उसका बिफोर आफ्टर इफेक्ट,
ठीक है। जैसे बहुत सी हमारी ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जिसका बिफोर और आफ्टर हमने क्या करना होता है, कंट्रास्ट शो करवाना। जैसे कि जैसे स्लिम एंड स्मार्ट मेडिसिन है कि देखें पहले एक हेल्दी सा मोटा सा बंदा होता है, वो कहते हैं कि आप ये मेडिसिन यूज़ कर लें, ये कावा पी लें तो कुछ ऐसे बात स्लिम हो जाएंगे, तो उसके बिफोर एंड आफ्टर इफेक्ट शो करवा रहे होते हैं, ठीक है। कहता है इस तरह हमारे पास हमने चार बंदों का वेट लिया, वेट ऑफ 4%, बिफोर दे स्टॉप स्मोकिंग यानी कि सिगरेट को छोड़ने से पहले का वेट लिया, एंड 5 वीक आफ्टर और 5 हफ्तों बाद दे स्टॉप स्मोकिंग जब उन्होंने सिगरेट पीना छोड़ दिया। टेस्टिंग दी हाइपोथेसिस गिविंग अप स्मोकिंग हैज नो इफेक्ट ऑन पर्सन, हमारी हाइपोथेसिस क्या है कि स्मोकिंग का पर्सन के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं है। तो यानी कि कोई इम्पैक्ट नहीं है का मतलब यही हुआ कि जो हमारा एच नॉट हुआ मीन का कोई इम्पैक्ट नहीं है, यानी कि मीन इक्वल टू जीरो है, मीन का कोई इम्पैक्ट नहीं है। तो अगर ये मीन इक्वल टू जीरो है तो एच वन क्या होगा, वो कहेगा नहीं नहीं भाई उसका इम्पैक्ट है। आपको पता हैज नो इफेक्ट है, नो इफेक्ट का मतलब है कोई इफेक्ट नहीं है, यानी कि मीन जीरो है, कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है जी। तो हम कहेंगे नहीं नहीं भाई इफेक्ट इसका है, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या करना है मुझे, फाइंड करना है। अब मैंने देखना है कि जी टेस्ट लगना है, टी टेस्ट लगना है। हमने कहा कि स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन है, एन कितना है 4 है, तो टी टेस्ट यूज होगा। तो टी इज इक्वल टू, हमने कहा कि टी इज इक्वल टू एक्स बार माइनस मी ओवर स्मॉल एस ओवर अंडर रूट, ये फॉर्मूला यूज होगा। तो हमने कहा मुझे तो एक्स बार चाहिए और एस चाहिए, तो मैं क्या करूंगा इनका डिफरेंस लूंगा, इनका डिफरेंस लूंगा, सबका डिफरेंस लूंगा। क्योंकि देखें हमारे पास फॉर्मूला ही लिखा डी बार, डी बार मीन एक्स बार ही, देखें यहाँ पे मैंने एक्स बार लिखा हुआ, जो ये जो एक्स बार है इसलिए मैं डी बार है, डी बार का मतलब डिफरेंस लेना, डिफरेंस किसका लेना है एक्स वन और एक्स टू का डिफरेंस लेना आपने, ठीक है। तो एक्स बल्कि इस तरह कर लें, एक्स वन माइनस एक्स टू ना करें, इसको एक्स टू माइनस एक्स वन कर लें बल्कि, यानी कि याद रखना जब भी डिफरेंस लेना है तो आफ्टर माइनस बिफोर का लेना है। तो आफ्टर कौन है मेरे पास, इसको अगर x1 में कह रहा हूं इसको x2 कह दें, यानी कि डिफरेंस जब भी लेना आपने आफ्टर माइनस बिफोर लेना, ठीक है। ये आसान तरीका होता है क्योंकि लॉजिक क्या है अभी देखना है, आफ्टर माइनस बिफोर की लॉजिक समझाने वाला हूं। बिफोर वेट कितना मेरा 148, सिगरेट छोड़ने के बाद मेरा वेट कितना पहुंच गया 154, लॉजिकली बताएं क्या वेट इंक्रीज हुआ या रिड्यूस हुआ। तो हम 158, बल्कि इस तरह अगर आप रट्टा नहीं लगाना चाहते x2 माइनस x1 आफ्टर माइनस बिफोर, सिंपल ये रख लें पहले हम किस पोजीशन पर थे बाद में क्या पोजीशन पर, ये डिफरेंस ले लें। पहले मेरा वेट देखें 148 था, जब मैंने स्मोकिंग स्टॉप की मेरा वेट इंक्रीज हो गया, कितने से 6 से, प्लस 6 से, सही है। सेकंड में कह रहा कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, जीरो ले ले। मैं पहले मेरा वेट 153 था, स्मोकिंग स्टॉप की मेरा वेट रिड्यूस हो गया, कितने से -3 से वेट रिड्यूस हो गया, 118 से 120 पर आ गया +2, बस ये वैल्यूज ले लें 6 0 -3, ये रॉ डेटा आ गया 6 0 -3 2। इन सबको कैलकुलेटर में पुट करें, एक्स बार और एस, ये जो एस आपको पता है कि एन माइनस वन वाला लेना, यानी कि कैलकुलेटर में 4 नंबर वाला लेना, ठीक है। तो शाबाश वैल्यू से वैल्यूज लिखें, 6 0 -3 2 देख लें, तो आंसर आ गया 4 पे, मीन आ गया मेरे पास 1.25, तो मीन आ गया मेरे पास 1.25, पॉपुलेशन मीन 0 है। एस कितना है मेरे पास 3.77, एन कितना है 4, तो देखिए आंसर क्या है मेरे पास फाइनल 1.25 3.77 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 4, तो आंसर आ गया 0.66, ठीक है। तो देखें ये नॉट इक्वल ने कहा टू टेल है, तो मैंने कहा टू टेल बना लेते हैं, यानी कि यहां पर आ गया अल्फा बाय 2, यहां पर आ गया अल्फा बाय 2, ठीक है। तो टी टेस्ट यूज हो रहा है, तो हमने ये कहना है कि रिस्क लेवल क्या है 0.05, तो आपने ये देखना है टी अल्फा बाय 2 0.05 को
एन माइनस वन, एन कितना 4, 4 माइनस वन 3, यानी कि टू टेल 0.05 को 4 माइनस वन 3 में देखें आंसर क्या आता है, 0.05, ये देखें 0.05 को 3 में देखना है, तो 2.3534, तो आंसर आया 2.3534, आंसर हमारे पास आ जाएगा 2.3534। तो ये मेरे पास आंसर आ गया 2.3534। तो ये मेरे पास आंसर आया जी कैलकुलेटेड का, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस लेवल क्या है मेरे पास 0.05, तो 0.05 देखिए यहां पर आ गया, ये माइनस में आ गया और यहां पर ये प्लस में आ गया, प्लस 2.3534, और हमारा आंसर क्या आया था 0.66, तो 0.66, तो देखें ये एक्सेप्टेंस रीजन में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे एच नॉट इज एक्सेप्टेड, हमारा एच नॉट एक्सेप्ट हो गया है, क्लियर। तो आपने इस तरह से ये कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। तो बस ये बात याद रखनी है आपने, ठीक है जी। अच्छा एक बात याद रखनी है कि जो आप कहेंगे सर आप तो इसको ग्राफ से करवा रहे हो, उसको वो वाला क्यों नहीं करवा रहे, कि जो हमने शॉर्टकट सीखा था कि z कैलकुलेटेड अगर ग्रेटर हुआ z टेबल से तो रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये टी टेस्ट है, तो टी टेस्ट के लिए ये नहीं चलेगा, ठीक है। अगर मैं टी टेस्ट के लिए इसको अप्लाई करना चाहता हूँ तो टी टेस्ट कैलकुलेटेड क्या है, अगर टी टेस्ट से इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, z टेस्ट है यहाँ पर टी टेस्ट करते हैं, यानी कि टी कैलकुलेटेड अगर ग्रेटर होगा टी टेबल से, तो देखें टी कैलकुलेटेड क्या था 0.66, तो यहाँ पर आ गया 0.66, टी टेबल क्या था 2.35, 2.3534, तो देखें 0.66 लेस है, अगर लेस है तो एच नॉट एक्सेप्ट होगा, तो देखें हमने एच नॉट एक्सेप्ट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कहते हैं कि पॉपुलेशन प्रोपोर्शन आ गया हमारे पास, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, तो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला आपको पता ये होता है, ये जो स्मॉल है ये सैंपल का प्रोपोर्शन होता है सैंपल, और ये आपको पता है कि पॉपुलेशन पॉपुलेशन प्रोपोर्शन होता है, ठीक है नी, स्मॉल पी सैंपल प्रोपोर्शन, कैपिटल पी पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमने देखा, कहता है एन इलेक्ट्रिक कंपनी इज क्लेम, इलेक्ट्रिक कंपनी क्लेम किया एटलीस्ट 85%, एटलीस्ट 85% का मतलब ये होता है एच नॉट मीन लेस देन ग्रेटर देन 85%, ये एच नॉट है, तो एच वन क्या हुआ, ये ग्रेटर है, उसने कहा लेस देन 0.85, अगर ये लेस देन है तो इसका हमें पता है लेफ्ट तरफ बनेगा सिंगल टेल अल्फा, अल्फा कितना है वन टेल, देखें हमें पता है पॉपुलेशन प्रोपोर्शन में हमेशा जी टेस्ट लगता है, तो 1% के लिए वन टेल क्या होगा, तो चेक करें जरा, वो हमारे पास होगा 1% के लिए, ये देखिए 1% के लिए वन टेल जो है ये होता है 2.33, तो 2.33 हमारे पास, ठीक है, तो 2.33 आ गया हमारे पास, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 2.33 माइनस 2.33, ये हमारे पास अल्फा आ गया। अब हमने देखना है कि z कैलकुलेटेड क्या होगा, तो z का पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला को पता है कि ये होता है, ठीक है, तो फॉर्मूला लिख लेते हैं z इज इक्वल टू स्मॉल पी कैपिटल पी पी क्यू ओवर अंडर रूट एन का स्क्वायर रूट, ठीक है जी। अच्छा जी ये पॉपुलेशन प्रोपोर्शन हो गया 0.85,
तो यहाँ पर पॉपुलेशन प्रोपोर्शन आ गया 0.85, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है। सैंपल कितना है? उसने कहा कि सैंपल है हमारे पास 400 पार्ट्स। उसने कहा एन इलेक्ट्रिक कंपनी क्लेम, एक इलेक्ट्रिक कंपनी ने क्लेम किया कि एटलीस्ट 85% ऑफ पार्ट विच इज सप्लाइड कंफॉर्म टू स्पेसिफिकेशन। एक इलेक्ट्रिक कंपनी ने क्लेम किया कि भाई एटलीस्ट कम अज कम 85% जो सप्लाई की गई है वो स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली की गई है, यानी कि 25% ऐसा है जिसमें स्पेसिफिकेशन मीट नहीं हुई। हमने 400 का सैंपल लिया, वास्ट देखें जिसको टारगेट करना है स्पेसिफिकेशन, 85% ऐसे हैं जिन्होंने स्पेसिफिकेशन मीट की है। उसने कहा सैंपल ऑफ 400 पार्ट वास टेस्टेड, हमने 400 पार्ट को टेस्ट किया और देखा 75 डिड नॉट मीट स्पेसिफिकेशन, के 400 में से 75 ने स्पेसिफिकेशन मीट नहीं की। लेकिन मैं क्लेम किसका कर रहा हूं? स्पेसिफिकेशन का। तो मैं ये देखूंगा कि स्पेसिफिकेशन वाले कितने हुए। टोटल 400 हो गया, 75 ने स्पेसिफिकेशन मीट नहीं की, पीछे कितने बच गए? 325। ये 325 ऐसे हैं जिन्होंने स्पेसिफिकेशन मीट किया। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 325 मीट स्पेसिफिकेशन, ठीक है जी। टोटल कितने? 400। तो सैंपल यहां से निकाल लें, 325 डिवाइड बाय 400, आंसर आ गया 0.8125। ये हमारे पास सैंपल आ गया, ठीक है। तो स्मॉल पी क्या आ गया? 0.8125। पॉपुलेशन कितना था? ये पॉपुलेशन है 85%, यानी कि 0.85 डिवाइडेड बाय, नीचे पॉपुलेशन ही लेना है, 0.85 0.15 डिवाइड बाय एन कितना है? एन 400 है। तो देखिए आंसर क्या है, शाबाश, कैलकुलेट करें, मैं भी कैलकुलेट कर रहा हूँ। 0.25 माइनस 0.85 डिवाइडेड बाय 0.85 मल्टीप्लाई बाय 0.15, ठीक है, डिवाइड बाय 400, आंसर आ गया माइनस टू पॉइंट वन। तो ये हमारे पास आया जी कैलकुलेटेड, तो 2.1 यहां पर आया, 2.1 माइनस। तो देखें 2.1 माइनस कहाँ आ रहा है? एक्सेप्टेंस रीजन में आ रहा है। तो हमने कहा हमारा एच नॉट एक्सेप्ट हो रहा है, ठीक है। तो आप कहेंगे सर इसको जरा वो फॉर्मूले से कर दें जो आपने बताया था कि जी कैलकुलेटेड वाला, तो चेक करते हैं, जी कैलकुलेटेड ग्रेटर देन जी टेबल, तो हम क्या करेंगे, एच नॉट को रिजेक्ट कर देंगे। जी कैलकुलेट कितना किया? 2.1 2 पॉइंट किधर गया, माइनस माइनस प्लस ना लिखें बस, 2.1 और ये कितना है? 2.33। तो देखें 2.1 2.33 से ग्रेटर है, लेस है, लेस है, तो लेस होगा तो हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। तो ये देखें हमने एक्सेप्ट कर लिया, देखें हमने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। इस तरह से पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अगर हमारे पास टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शन आ जाए, यानी कि दो डाटा आ जाए, दो डिफरेंट डाटा से पॉपुलेशन प्रोपोर्शन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? तो देखें फॉर्मूला उसका सामने हमारे पास ये फॉर्मूला गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं और साथ साथ वैल्यूज भी पुट करते जाते हैं। कहते हैं एन एक्सपर्ट इज इंटरेस्टेड इन द प्रोपोर्शन ऑफ मेल एंड फीमेल इन पॉपुलेशन दैट हैव अ सर्टेन माइनर ब्लड डिसऑर्डर। कहते हैं हमने मुख्तलिफ पॉपुलेशन में से मेल और फीमेल को सिलेक्ट किया कि जिनमें थोड़ा बहुत ब्लड डिसऑर्डर का मसला है। रैंडम सैंपल ऑफ 100 मेल, हमने 100 मेल को सिलेक्ट किया, यानी कि हमारा आ गया N1 100 मेल, ठीक है। उसकी हमने निकाली स्मॉल P1 प्रोपोर्शन 1। 31 आर फाउंड टू बी अफ्लिक्टेड, तो 100 में से 31 अफ्लिक्टेड हैं, ये P1 आ गया, यानी कि 0.31। तो Q क्या आ जाएगा? Q1 क्या आ जाएगा? 0.69 ये मेल का आ गया। और फीमेल का हमने जब डाटा लिया उसको N2 कहते हैं, तो N2 उसने कहा कि हमने देखा 31 फाउंड टू बी अफ्लिक्टेड वेयर ओनली 24 ऑफ 100 फीमेल, तो N100 है। P2 कितना होगा?
24/100 यानी कि 0.24 अफ्लिक्टेड है। तो Q2 क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0.24, तो आंसर आ जाएगा 0.76। तो 0.76 आ गया हमारे पास, ठीक है। सिग्निफिकेंस लेवल कितने, 5%। अब हमारे पास रह गया इनका एच नॉट और H1, वो देखना क्या है। कहता है कि 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दैट द प्रोपोर्शन ऑफ मेन इन द पॉपुलेशन अफ्लिक्टेड विद ब्लड डिसऑर्डर इज सिग्निफिकेंटली ग्रेटर है। हमने कहा जो मेन का ब्लड डिसऑर्डर है वो ग्रेटर है वुमेन के डिसऑर्डर से। तो ग्रेटर देन कौन होगा, H1। तो H1 ने कहा कि डिफरेंस ऑफ P1 माइनस P2 ग्रेटर है, ठीक है, ये ग्रेटर है। अगर ये ग्रेटर है तो असल में H0 क्या हुआ होगा, H0 कह रहा है कि P1 इक्वल है P2 के। अगर इक्वल है तो H0 कह रहा है P1, ये ग्रेटर कह रहा है लेस देन इक्वल है, ठीक है, लेस देन इक्वल है, ये माइनस हो जाएगा ना, तो P1 बल्कि इस तरह करें इसको, P1 माइनस P2 लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इक्वल आ रहा है तो पॉपुलेशन मीन, तो डिफरेंस, उसका डिफरेंस तो 0 हो गया, यानी कि ये 0 हो गया सारा, ये 0 हो गया, ठीक है। तो व्हाट इज स्मॉल P1, तो स्मॉल P1 कितना है, 0.31। तो यहाँ पर आ जाएगा 0.31। P2 कितना है, P2 0.24, तो ये आ गया 0.31। और 0.31 मल्टीप्लाई बाय 0.69 डिवाइडेड बाय 100 आ गया, प्लस P2 कितना है, P2 0.24 है, 0.24 मल्टीप्लाई बाय 0.76 डिवाइड बाय 100, ठीक है जी। तो ये सारा आंसर दिखेगा क्या आ जाएगा, चाबस कैलकुलेट कर, मैं भी कर रहा हूँ, 0.31 माइनस 0.24 स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 100 प्लस 0.24 मल्टीप्लाई 0.76 डिवाइडेड बाय 100। तो आंसर आ गया 1.11, आंसर आ गया 1.11 पॉजिटिव, तो 1.11 आ गया, ठीक है। तो हमारे पर जो Z का आंसर आया 1.11 आएगा। तो देखें H1 क्या है, ग्रेटर देन है, तो अगर ये ग्रेटर देन है तो इसका ये रीजन बनेगा, ये देखें ये ग्रेटर देन है। अल्फा कितना है, 5%। 5% वन टेल के लिए क्या होता है, 5% वन टेल के लिए क्या होता है, तो लेट्स सी 5% वन टेल के लिए क्या होता है, 5% वन टेल के लिए होता है 1.645, ये देखें 1.645, तो 1.645 होता है। तो यहां पर आ गया, क्योंकि ग्रेटर है, जब ग्रेटर है तो 1.645 प्लस में आएगा, तो 1.645 प्लस में आएगा, तो लिख लिया 1.645, ठीक है। तो ये हमें पता हमारा रिजेक्शन रीजन आ गया, ये हमारा रिजेक्शन रीजन आ गया, और ये हमारा हमें पता है एक्सेप्टेंस रीजन आ गया। तो रिजेक्शन रीजन है 1.645, तो हमारा आंसर क्या है 1.11। तो 1.11 कहाँ आएगा, यहाँ पर 1.11 एक्सेप्टेंस रीजन में। तो हमने कहा जी कितना है 1.11, हम कहेंगे 1.11 से H0 क्या हो जाएगा, हमारा एक्सेप्टेड हो जाएगा। और अगर मैं सिंपल वाला बात करूँ कि ग्राफ के बगैर वाला, तो हमने कहा था जी कैलकुलेटेड ग्रेटर होगा जी टेबल से, तो H0 रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जी कैलकुलेट कितना किया, 1.11, जी टेबल कितना है 1.645,
फाइव, तो देखें 1.11, 1.64, तो 1164 से लेस होता है। अगर लेस है मैं कहूँगा एच नॉट एक्सेप्टेड, तो देखें मेरा एच नॉट एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपका हमारा जो हाइपोथेसिस है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आपने इसको रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट जो लास्ट रिवीजन रहेगी हमारी काइस्केर की रहेगी, तो इंशाल्लाह वो काइस्केर की रिवीजन इसके बाद करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।